ओम शांति। 22 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य मीठे बच्चे मीठे बच्चे माया से डरो मत, भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं, सबसे आगे वही जाते। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता, इसलिए उसे गरीब निवास कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। आज का गीत, नैन हीन को राह दिखा प्रभु, नैन हीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैन हीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैन हीन को राह दिखा प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे, अति मीठे, ऐसे कहेंगे ना, बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते हैं मीठे सिकिलत है बच्चों ने गीत सुना, राह एक बाप ही दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला कोई है नहीं, वहाँ ही ठोकरें खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती है। समझते भी हैं, एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता ज्ञान दाता है, स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, सागर एक ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है, सारा सागर एक ही है, फिर उनको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के मालिक तुम बनते हो। ऐसे कोई कह ना सके, ये हमारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर न आओ। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं जो कोई छीन ना सके। यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है, एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल्प पहले मिसल मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान दाता है ही परमपिता परमात्मा, इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सत्युग में लक्ष्मी नारायण के पास ये ज्ञान नहीं होगा। हाँ ऐसे कहेंगे, आगे जन्म में ज्ञान लेकर ये बने हैं, तुम ही थे। तुम कहते हो बाबा आप वही हो, आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। बाप कहते हैं, मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है, वह पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है, ये तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो, कैसे 84 का चक्र लगाया है। अभी वापिस जाना है बाप के पास, ये भी बाप ने बतलाया है। माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी, 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी।
बाप कहते हैं थकना नहीं है। अच्छा एक मिनट याद रही, फिर कल बैठना, परसों बैठना। अंदर में ये पक्का जरूर करो कि हमें याद करना है। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता ही मुख्य है। आज ये दुनिया पतित वैश्यालय है, कल पावन शिवालय होगा। जानते हो ये पुराना शरीर है, बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चलने लायक बन जाएंगे। बाप से कुछ न कुछ ज्ञान तो सुना है ना। ऐसे भी हैं जो यहाँ से भागंती हो गए हैं, फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे हैं। ये भी समझाया है, अंत मति सो गति होगी। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींच होगी। भल ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच लेंगे। छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदाई बनेंगे। आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं ना। जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं, संस्कार ले जाते हैं तो लड़ाई में फिर भर्ती हो जाते हैं। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, उनकी महिमा भी निकलती है। तो यहाँ से जो जाते हैं तो छोटेपन में महिमा निकलती है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना। बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर मालिकम सलाम करेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से तो वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा है ना, अहो प्रभु तेरी लीला। अभी तुम समझते हो, अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है, विजय माला में पिरोए जाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को ही याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि ये ज्ञान देते हैं। यहाँ तो कहेंगे निराकार श्री बाबा ज्ञान देते हैं। मैं ऊंच ते ऊंच हूँ, मुझ आत्मा का नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताए नमः। ये भी रचना है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। ये ब्रह्मा दादा भी तुम्हारा भाई है, स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा। ये खुद ही वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से। पहले ये सुनते हैं, बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला पहला बच्चा हूँ। आपसे हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प आपका रथ बनता हूँ। शिव का रथ ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मौफिक बाप द्वारा राज्य भाग्य लेते हैं। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही आएंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। सारा पुरुषार्थ पर मदार है, कुर्बान भी होना होता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वे कोई गरीबों को दान नहीं होता, वे कोई ईश्वर अर्थ होता नहीं है, परंतु दान तो करते हैं ना। कॉलेज खोलते हैं तो उनका फल मिलता है, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे ये आशीर्वाद मिलती है। भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है। इस समय तो बहुत दान होता है, तुम बाप को दान करते हो, बाप तुमको दान करते हैं। तुमसे कख पन ले,
तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो। वे लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं, फलाने आश्रम को देना या ये आर्य समाज ले लेवे। वास्तव में दान गरीबों को देना होता है जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना, स्वर्ग में भारत कितना साहूकार होता है। तुम जानते हो वहाँ जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है उतना और कोई के पास नहीं हो सकता। वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर भी मिलेगी। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने कारण दुख देते हैं, वहाँ तत्व सतो प्रधान होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे। कलयुग के अंत में छोटी छोटी तालियां मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा आदि की नॉलेज है, बाप के पाठ को भी जानते हो। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं 5 पांडव बचे। अच्छा फिर क्या हुआ, जरूर जो राजयोग सीखे वही जाकर राज्य करेंगे ना। आगे तुम भी कुछ जानते थोड़े ही थे, बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, नारायण की भक्ति करते थे, गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते थे तो भी गीता पढ़ते थे। अब देखते हैं कुछ भी समझा नहीं, डिब्बी में ठीकरी। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए परंतु उद्धार तो हुआ नहीं। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, यहाँ भी तो सब पवित्र बन ना सके इसलिए झगड़ा पड़ता है। बाप शरण लेते भी हैं, फिर कहते हैं बीमारी उथलेगी जरूर, बच्चे आदि याद पड़ेंगे, इसमें नष्टो मोहा होना पड़े। समझना है हम मर गए, बाप के बने गोया इस दुनिया से मरे, फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वह जैसे कुछ भी है नहीं। ये पुराना शरीर भी छोड़ना है, हमको जाना है घर। घर जाकर फिर आकर नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी श्याम है फिर सुंदर बनेंगे। भारत अभी श्याम है फिर सुंदर बनेगा। अभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं। कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान दिए हैं, फिर क्रोध क्यों करते। शायद क्रोध दान नहीं दिया है। बाप कहते हैं बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाए। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो तो बाप कहते हैं ये विकार दान में दे दो, तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है, काम उतार देना है, ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए। बाबा जानते हैं अनेक प्रकार के ख्यालात आएंगे, धंधे के ख्यालात आएंगे। भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधा धोरी याद पड़ता है तो फिर अपने को चुटकी से काटते हैं। हम नारायण की याद में बैठा हूँ फिर ये बातें याद क्यों आई। तो यहाँ भी ऐसे होता है, जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं तो फिर समझाया जाता है अच्छा छोड़ो धंधे धोरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़ो तो छूटे, देह अभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भ्रमरी का कछुओं का भी सब मिसाल बाप देते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में वो लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कीड़े कौन हैं, तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भूं भूं करती हो। ये दृष्टांत अभी का है, वे बता ना सकें,
त्योहार आदि सब इस समय के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के। अब देखो कृष्ण जयंती थी, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उनकी पूजा की, फिर जाकर लेक में डुबो दिया। अभी तुम समझते हो ये क्या करते हैं? ये है अंधश्रद्धा। तुम किसको समझाएंगे, वे समझेंगे नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी है, इसलिए ये हाल हुआ है। ऐसे बहुत ही आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकते। ऊंच ते ऊंच ये ब्राह्मण कुलभूषण है, परंतु उनकी माला बन नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि में है ये शिव बाबा की माला है, फिर हम जाकर सतयुग में नंबर वार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ न सके। बाप पढ़ाते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हैं हम आकर समझेंगे, फिर गए घर में और खलास, वहाँ की वहाँ रही। कहते हैं प्रभु से मिलने के लिए राह बहुत अच्छी बताते हैं, परंतु हम उस पर चलें, वर्षा लेने ये बुद्धि में नहीं आता। बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, बस। अरे तुम भी समझो ना, जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब ये रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा तो सभी मनुष्य करते रहते हैं, मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करते, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस रहता है। हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने किस गति में लाया है। अब हम बाप की श्रीमत पर चल, वर्षा जरूर लेंगे। अभी तुम जानते हो हम हैं संगम युगी, बाकी सब हैं कलयुगी। हम उस पार जा रहे हैं जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे, वे ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, बस। फिर आत्मा वापिस आएगी नहीं, बैठे बैठे बाप की याद में गया। यहाँ हठ योग आदि की कोई बात नहीं, जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, वैसे तुम बैठे बैठे ये शरीर छोड़ देंगे। सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाप के पास चले जाएंगे, जो याद के यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे वे ऐसे शरीर छोड़ देंगे। साक्षात्कार हो जाता है, जैसे शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरा, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब हैं, धंधे धोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है, याद की यात्रा की मेहनत करनी है। वरदान, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण, योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरा, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे बंधन मुक्त। स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है।
ओम शांति। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। आप फिर से आए हैं हमारे साथ, जुड़े हैं एक बार बहुत कुछ उम्मीदों के साथ कि आज के दिन आप अपने को सफलता का तिलक जरूर देंगे, जीतेंगे मास्टर मुरलीधर का ताज, पहनेंगे ताज, बनेंगे दिल तक नशीन आत्मा और ढेरों ढेर दुआएं, वरदान और ज्ञान रत्नों से भी होंगे संपन्न। तो आपकी इस शुभकामना को हम जरूर करेंगे पूरा। तो चले करते हैं शुरुआत, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आज की मुरली से आपके सामने 10 नए सवाल, जिनमें से पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर डैश के मालिक तुम बनते हो। चार ऑप्शन, ऑप्शन है धरनी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी पांच तत्व, ऑप्शन डी ब्रह्मांड। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन है धरनी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, बधाई आप सभी को, ढेरों ढेर बधाइयाँ। दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल और जीते हैं फिर एक बार 10 पॉइंट्स आपने। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ। पहली सीढ़ी चढ़ी है बाप की याद में, ऐसे ही आगे बढ़िए और जीते आज आप ये ताज। चलिए रखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, रचना और रचता कि किस चीज को जानकर तुम औरों को बताते रहते हो। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए राज, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी आदि मध्यंत, ऑप्शन डी ड्रामा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, सही जवाब ऑप्शन सी आदि मध्यान। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, यूं ही आप जीतते रहे, सिलसिला आगे बढ़ते रहे, पहने आप सफलता का ताज, यही है हमारी शुभाश। तो बहुत बहुत बधाइयां, बधाइयां, बधाइयां। चलिए रखते हैं आज की मुरली से तीसरा प्रश्न आपके सामने। आज यह दुनिया पतित वैशाल्य है, कल पावन क्या होगा। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए स्वर्ग, ऑप्शन बी शिवालय, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी संसार। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी शिवालय। आज वैशाली है, कल शिवालय होगा, शिव भगवान के द्वारा रची हुई दुनिया होगी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। दिया है तीसरे प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब और किया है कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए तीसरी सीढ़ी को
चढ़ते हुए बारी आ गई है चौथे पर कदम रखने की। रखते हैं आपके सामने आपके यूट्यूब स्क्रीन पर आज का चौथा प्रश्न। प्रश्न है, स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर क्या करेंगे? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए ज्ञान चर्चा, ऑप्शन बी आत्ममिलन, ऑप्शन सी कनेक्शन, ऑप्शन डी मालिकम सलाम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जवाब ऑप्शन डी मालिकम सलाम। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो, बहुत बहुत आप सभी को बधाइयां। चलिए, इतनी मीठी शिक्षा लेकर मन मिठास से भर गया है। तो रखते हैं आज का पांचवा प्रश्न आपके लिए। बाप तुमको दान करते हैं, तुमसे कक्षा ने तुमको क्या देते हैं? चार ऑप्शन, ऑप्शन किंगडम, ऑप्शन बी विश्व के बादशाही, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी वर्षा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन बी विश्व की बादशाही। तो फिर एक बार मुबारक हो जी, कांग्रेचुलेशंस, दिया है पांच ही प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, जीता है 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो आप सभी को, 50% खेल फिर एक बार हो चला है पूरा। जैसे आधा कल पूरा हो जाता है वैसे ही 50% खेल भी पूरा हो गया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो, बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। क्या स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ, बाप की याद के साथ आपने किया है 50% खेल पूरा और जीत चुके 50 गुना, बधाइयां, तो मुबारक हो। चलिए, रखते हैं आज की मुरली से छठवां प्रश्न। प्रश्न है, मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, क्या भी मिलेगी? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए जागी, ऑप्शन बी बादशाही, ऑप्शन सी राजाई, ऑप्शन डी मिलकत। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन ए जागीर। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। छठवें प्रश्न का दिया सही जवाब, किया है कमाल, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज का सातवां प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं तो फिर किसको छोड़ना समझाया जाता है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए माया, ऑप्शन बी देहाभिमान, ऑप्शन सी धंधे दौरे, ऑप्शन डी देह के संबंध। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन सी धंधे दूरी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयां आप सभी को, दिल खुश मिठाइयां आप सभी के लिए, क्योंकि दिया है बहुत सही जवाब और किया है कमाल आप सभी ने। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, बहुत बहुत आप सभी को मुबारक, मुबारक और मुबारक। तो बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां हमारी तरफ से। अगर 70 पॉइंट से संपन्न है आप तो आपको और भी बधाइयां, क्योंकि अब आप कुछ ही प्रश्नों की दूरी पर हैं, समीप ही है मंजिल के, बस एक प्रश्न की दूरी और फिर ताज आपका। तो चलिए, रखते हैं दूरी समाप्त करते हुए आज का आठवां प्रश्न। प्रश्न है, ऐसे बहुत ही आशीर्वाद सुनंती कथंती भावंती हो जाती इसलिए किसकी माला बन नहीं सकती? चार ऑप्शन, ऑप्शन शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी देवताओं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन सी ब्राह्मणों। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयां आप सभी को, दिल खुश मिठाइयों के साथ दे रहे हैं बधाइयां, क्योंकि आपने फिर एक बार किया है कमाल और जीते हैं ये 10 पॉइंट्स। आपने रखते हैं नौवां प्रश्न। प्रश्न बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं, बैठे बैठे बाप की याद में गया,
यहाँ किसी जाति की कोई बात नहीं है। चार ऑप्शन ऑप्शन है, मेहनत ऑप्शन बी, भक्ति आदि ऑप्शन सी, पूजा पाठ ऑप्शन डी, हट योग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी, हट योग। तो फिर एक बार बधाइयों की पात्र आत्माओं को दिल की दुआएं पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से, क्योंकि 10 पॉइंट्स के आप हकदार बन चुके हैं। दिया है सही जवाब और 90 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो गोल्डन क्राउन इज योर्स। बिल्कुल लाए तो हम थे पर ले गए आप हैं, तो बहुत बहुत बधाइयां बधाइयां बधाइयां। चलिए बधाइयों को और देंगे पंख और रखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, ताकि जल्दी से आपके पास 80, 90 या 100 पॉइंट्स हो जाएं, तो आप सिल्वर क्राउन, गोल्डन क्राउन और मास्टर मुरलीधर का ताज ले जाएं अपने नाम करके। तो चलिए रखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न पहले सोचना फिर करना, यही किसका गुण है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए समझदार, ऑप्शन बी ज्ञानी तो आत्मा, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी ब्राह्मण। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी, ज्ञानी तू आत्मा। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। दिल खुश मिठाइयों के साथ मिलती हैं आपको जो बधाइयाँ, उसके लिए हम देते हैं आपको बहुत बहुत मुबारक मुबारक और मुबारक जी। बधाइयाँ आप सभी को, बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए बधाइयाँ तो ले लिए, अंतिम प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब और बन चुके हैं आप ये सुंदर से गुलदस्ते के हकदार। तो बहुत बहुत बधाई हो, इतना श्रेष्ठ भाग्य आप लिखा कर लाए हैं। अपने भाग्य का नशा चढ़ाते रहिए, कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। जिस भगवान को स्वयं सारा विश्व पुकार रहा है, वो आपको ट्रॉफी दे रहा है, सफलता का तिलक लगा रहा है। तो ऐसी बधाइयों की पात्र आत्माओं को, भाग्यवान आत्माओं को पावर ऑफ सकाश की टीम करता है नमन और धन्यवाद, और लेता है इजाजत कि आपसे कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए अंदाज को लेकर, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे, यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्टी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।